अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सईद राज। पर खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची के इलाकी गुलशन सरजानी फेज एक के रिहायशी मुहर्रम अली जतोई ईस्ट नेशनल प्रेस क्लब पहुंचकर घर पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मुहर्रम अली जतोई ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बासर एजाज अली जतोई, गुलाम मुस्तफा और दीगर ने मेरे घर पर हमला करके बच्चों को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकियां दे रही हैं कि ये घर खाली करो वरना आपको जान से मार डालेंगी। उसने कहा कि मैंने पुलिस को इत्तला दी लेकिन पुलिस मामूल के मुताबिक देर से आई, जब तक वो फरार हो गए थे। मुहर्रम अली जतोई ने मजीद कहा कि मुझे और मेरे बच्चों को उन लोगों से जान का खतरा है और फोन करके जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। इसने आईजी सिंध, एसएसपी वेस्ट और दीगर इख्तियारियों से अपील की है कि बासर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मजही और मेरे बच्चों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए।